संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम दर्शन का एक और हिस्सा लेने जा रहे हैं और दर्शन की एक पुस्तक है, उसका नाम है अर्थ संग्रह, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दर्शन की जो प्रथम पुस्तक है वो पूर्व मीमांसा के नाम से ही जाना जाता है। प्रथम दर्शन पूर्व मीमांसा और प्रथम दार्शनिक जैमिनी जी के नाम से जैमिनी ही माने जाते हैं। इसके बारे में हम जानकारी अर्जित अच्छे से करेंगे और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अर्थ संग्रह जानने के बाद आपको फिर कहीं दिमाग में भ्रम नहीं रहेगा कि अर्थ संग्रह में ऐसा कहाँ होता है, कौन सी चीज़ कहाँ होती है, क्योंकि अर्थ संग्रह थोड़ा उलझा हुआ सा है। तो अर्थ संग्रह जानने से पहले हम दर्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये दर्शन के विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। अर्थ संग्रह नाम यहां डाल देते हैं हम। अर्थ संग्रह से पहले हम दर्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दरअसल मिले हुए हैं एक तरह से, जैसे सांख्य और योग एक ही हैं, बस उसमें ईश्वर एक तत्व है, उसको एक अधिक माना गया है योग में, बाकी एक जैसे ही हैं। न्याय वैशेषिक लगभग एक जैसे हैं। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों ही वेदों से संबंधित हैं। उत्तर मीमांसा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ब्रह्मसूत्र उसका ग्रंथ माना जाता है उत्तर मीमांसा का, और वेदांत सार उसका एक छोटा सा लघु ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। वेदांत सार के बारे में हम जान रहे हैं। उपनिषदों का जो निचोड़ है, सारे उपनिषदों को इकट्ठा करके जो व्यवस्था की गई है वो उसमें है, वेदांत सार में। ऐसे ही जैमिनी जी ने वेद के दो भाग होते हैं, एक मंत्र होता है, दूसरा ब्राह्मण होता है। ब्राह्मणों में वेदों की व्याख्या की गई है और ब्राह्मणों में यज्ञ से संबंधित सारे विधि और विधानों का वर्णन किया गया है। तो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा से बस थोड़ा सा ही अंतर है। उत्तर मीमांसा उपनिषदों से संबंधित है, पूर्व मीमांसा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है। इसमें यज्ञ से संबंधित जो भी क्रियाकलापें हैं उनके बारे में बड़े विस्तृत से अध्ययन कराया गया है, और वेदांत सार में उपनिषद का जो निचोड़ है, आध्यात्म है जो, उसके बारे में समझाया गया है। तो हम दर्शन में थोड़ा सा जान लेते हैं, सभी दर्शनों को जानेंगे आज, आस्तिक नास्तिक जितनी भी हैं। तो एक मस्तिष्क में एक रूपरेखा बन जाएगी। वेदांत सार में मैंने दर्शन के बारे में थोड़ा सा नहीं समझाया था, उसमें वेदांत बना कैसे, ब्रह्मसूत्र है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, क्योंकि ब्रह्मसूत्र एक दिमाग में बैठ नहीं पाता होता क्या है। ब्रह्मसूत्र में जो है वो एक तरह से अष्टाध्यायी की भांति है, अष्टाध्यायी व्याकरण में, और ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का एक निचोड़ ग्रंथ है। ऐसे ही जो पूर्व मीमांसा है जैमिनी जी ने लिखी है, वो सारे ब्राह्मणों में जो यज्ञ परक व्यवस्था दे रखी है वो उनका इकट्ठा किया गया ग्रंथ का नाम है। ठीक है, इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो दर्शन को देख लेते हैं हम। दर्शन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले दर्शन को जान लेते हैं कि दर्शन है क्या। जानते तो सब हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि जो अध्ययन कर रहे हैं आज, सदियों से संस्कृत जो पढ़ रहा है वो दर्शन नहीं जानते, लेकिन दर्शन को थोड़ा सा ध्यान देंगे तब बात साफ होंगी। दृश्य धातु से मिलकर के से बना है, लिट प्रत्यय लगता है इसमें, इसका मतलब होता है दर्शन, सीधा यही व्याख्या बन जाती है पूरी, दर्शन ही बन जाता है। इसका मतलब होता है देखना। देखने का हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है, इसलिए षट दर्शनों की उत्पत्ति हुई। थोड़ा सा ध्यान दें तो बात साफ हो जाएंगी। अब इसी में भी कुछ नास्तिक बन गए, कुछ आस्तिक बन गए। हमारे जो छह दर्शन है उसमें कुछ ईश्वरवादी भी हैं और अनीश्वरवादी भी हैं, अर्थात कुछ ईश्वर को मानते भी हैं, कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये दर्शन ही तो है, दृश्यते अनेति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए। एक पाश्चात्य सभ्यता में या इंग्लिश में शब्द मानिए फिलॉसफी शब्द प्रयोग किया गया है। फिलोस और सोफिया, ये दो शब्दों से उसकी फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसका मतलब होता है, फिलोस का मतलब होता है प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है विद्या, या जो प्रेम है
उसको अनुराग भी बोला जाता है। तो विद्या से प्रेम या विद्या से अनुराग, इस तरह से उसमें व्याख्या की गई है। हमारा नजरिया कैसा है किसी के प्रति। अब देखिए ब्राह्मणों में जो पूर्व मीमांसा है वेदों से संबंधित ही है सब, ये मान के चलिए आप। यहां धर्म की परिभाषा जो दी है, क्योंकि पूर्व मीमांसा का जो आधार है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो धर्म की व्याख्या करना है। हर एक का एक उद्देश्य होता है, अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसका विषय क्या है। वो विधान सार में हमने विषय पढ़ा था, जीव और ब्रह्म की एकता को ही सिद्ध करना उसमें विषय है। यहाँ जो अर्थ संग्रह है, या इसको ये मान के चलिए पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा भी अर्थ संग्रह, उसका एक तरह से जैसे विधान सार है उसका ग्रंथ है, ऐसे ये भी एक अर्थ संग्रह है। लोवाक्षरी भास्कर इसके रचयिता माने जाते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहां पर धर्म की व्याख्या इन्होंने अलग से की है, और उनका धर्म के इसका मुख्य उद्देश्य पूरे ग्रंथ का धर्म को ही दर्शाना है, धर्म को सिद्ध करना कि धर्म है क्या, इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है। तो उम्मीद है दर्शन की क्या व्यवस्था है, हम जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए दो ही विधियों से, आंखों से, ज्ञान तो वैसे पांच इंद्रियों से आता है, आंख नाक कान त्वचा जिह्वा इस तरह से, लेकिन मुख्य रूप से 90% भाव, मैं आज केवल इसकी रूपरेखा दे रहा हूं, मैं बताता हूं आपको, मैं रूपरेखा ही शुरू में देता हूं जिससे कि मस्तिष्क उसके लिए तैयार हो सके। तो 90% भाव मात्र दो इंद्रियों से ही बना है, आंख से और कान से। सारे ज्ञान का जो संग्रह किया गया है वो और आंख, आंख और कान है, ऐसे मान सकते हैं कि पहले लोगों को आंख नहीं थी, केवल सुरती थी, यानी सुनते थे, वो देख नहीं पाते थे। सुनने के बाद बच्चे को आप देखेंगे तो ये आप महसूस करेंगे, पहले बच्चा सुनना सीखता है, उसके बाद वो उसको देखने का आभास होता, नहीं तो वो उसको आंखें तो होती हैं, ऐसा नहीं कहा कि नहीं, लेकिन आंखें जो होती हैं वो स्थिर नहीं हो पाती, निश्चल नहीं हो पाती, वो समय बहुत लग जाता है, 3 से 4 महीने लग जाता है, तब उसकी आंखें निश्चल हो पाती हैं, स्थिर हो पाती हैं। योगी जब ध्यान करते हैं या कोई व्यक्ति सोता है, तब भी सोते हुए आप देख सकते हैं उसकी आंखें जो होती हैं, अंदर की जो पुतलियां होती हैं वो चंचल होती हैं, चलायमान होती हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं हो पाती। कान स्थिर हैं, इसलिए हमारे जो सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कानों के जरिए हुआ, सुनकर के ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वेदों को श्रुति भी बोला जाता है। तो सबसे पहले श्रुति की व्याख्या, विस्तृत जानकारी लोगों को मिली या जानकारी अर्जित की, ऐसे कह सकते हैं। तो कानों से सबसे पहले प्रयोग किया गया ज्ञान में। उस जब योगी कौन माना जाता है, योगी वो माना जाता है जो सुन करके अपने आप को स्थिर कर ले। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो व्यवहार हैं, जो आकृति ले लेती हैं वृत्तियां, उनको रोक दे। और एक आंखें जो होती हैं, जिस व्यक्ति की ध्यान करते समय पुतलियां स्थिर हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तब आप उसको मान सकते हैं कि ये योग की प्रथम श्रेणी को पार कर चुका। जिसकी पुतलियां स्थिर नहीं है तो समझना है कि उसका मन चलायमान है, मन और पुतलियों का संबंध बहुत नजदीकी है। तो आगे जब विस्तृत व्याख्याएं लोगों ने की या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने देख करके भी उन चीजों को पहले तो सुना कि ठीक है ये बात, सुन करके फिर उन्होंने देखा। तो इसलिए आंख से जब उन्होंने देखा तो दृश्य धातु से, इसलिए देखने से, दर्शन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हीं का नाम दर्शन रख दिया। तो हमारे पूरे वैदिक ग्रंथ को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, श्रुति और दर्शन। श्रुति में पूरा वैदिक शास्त्र आ जाता है, दर्शन में दर्शन शास्त्र आ जाते हैं। ये 2 ही ज्ञान के आधार हैं, 90% ज्ञान इन्हीं से मिलता है, इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनको श्रुति और दर्शन बोला गया। तो हम इसमें चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, और मैं आपसे भी कमेंट के माध्यम से जानना चाहूंगा कि दर्शन की और
क्या व्याख्या हो सकती है आपकी नजर में, क्योंकि इसमें कुछ भी व्याख्या करिए। नजरिए एक सब एक कहावत है आम भाषा में भी, नजर नहीं नजरियों को बदलिए, चीजें बदल जाती हैं। तो दर्शन वही काम करता है। हम यदि देखने का अपना तरीका बदल दें, चीजों को समझने का तरीका बदल दें, तो चीज तो वही होती है, वस्तु तो वही होती है, लेकिन उसमें अर्थ दूसरे निकलने लगते हैं। इसलिए गीता को आप देखोगे तो गीता की विश्व में इतनी व्याख्याएं की गई हैं, शायद ही किसी पुस्तक की गई हो। बिजनेसमैन ने उसको पकड़ा, इस समय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, उन्होंने गीता को आधार बनाया है व्यापार का, तो उन्होंने व्यापार के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया, तो उसके अनुसार भी उसका अर्थ निकल आया। किसी ने ज्ञान के हिसाब से समझा तो ज्ञानियों के अनुसार उनका अर्थ निकल आया। कर्मयोग, कर्मयोगियों ने जब उसको समझा तो कर्म में भी व्यवस्था बनाई गई। तो वहां दर्शन है देखने की, आप किस विधि से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। दो प्रकार के हैं, आस्तिक और दूसरे हैं नास्तिक। ठीक है, आस्तिक में और नास्तिक में ग्रंथ देख लेते हैं पहले। नास्तिक है कम एक चार वाक, दूसरे स्थान पर आते हैं बौद्ध, तीसरे पे हैं जैन। चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, ये तीन हैं जो नास्तिक हैं। आस्तिक को देख लेते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये जैमिनी जी का है और ये वादराण जी का है उत्तर मीमांसा, ये हमने जाना है पिछली वीडियो में। अब आस्तिक और नास्तिक को थोड़ा सा समझते चले। इसमें बोला गया है नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो नास्तिक हैं उसकी परिभाषा ईश्वर से कोई संबंध नहीं है उसका, उसकी सीधी व्यवस्था है जो वेदों में आस्था रखता हो वो आस्तिक हो जाते हैं, जो वेदों में किसी भी प्रकार की आस्था ना रखता हो वो नास्तिक ग्रंथों के अंतर्गत आ जाते हैं, दर्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो तीन है उन्होंने वेद में किसी भी प्रकार की कोई भी आस्था नहीं रखी, इसीलिए नास्तिक कहलाए। यहां जितने भी दर्शन हैं, षड दर्शन के अंतर्गत आते हैं ये, वो सभी वेदों से संबंधित हैं, अर्थात वेदों को वो मानते हैं। एक तो एक चीज होगी आस्तिक और नास्तिक की। तीसरी और चौथी चीज और देख लेते हैं हम, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, जो ईश्वर को मानते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते। तो अनीश्वरवादी में हम इन्हीं को ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये वेदों को तो मानते ही नहीं है, आस्था रखते ही नहीं है, ईश्वर को भी ये नहीं मानते। तो चारवाक, चारवाक दर्शन आ जाएगा, बौद्ध दर्शन है और जैन दर्शन, ये तीन तो इसमें है ही हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, सांख्य दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानता, सांख्य दर्शन में भी ईश्वर की कोई व्यवस्था नहीं है। योग में ईश्वर को माना जाता है, इसलिए सेश्वर सांख्य भी इसको बोला जा सकता है, ये बोला जाता है योग दर्शन को। यहां 25 तत्व हैं, योग में 26 तत्व हो जाते हैं, एक ईश्वर तत्व जो होता है वो बढ़ जाता है यहां। तो यहां सांख्य दर्शन को भी आप चौथे स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि अनीश्वरवादी है, ईश्वर में ये नहीं मानते। प्रकृति और पुरुष से पूरी व्यवस्था दी है उन्होंने कि ईश्वर की व्यवस्था है कहां, प्रकृति और पुरुष मिलते हैं और सृष्टि उत्पत्ति हो जाती है,
सत्कार्यवाद मानते हैं। ये मैं चार्ट दूंगा इसका, सारे ग्रंथ, सभी धर्म ग्रंथों का, कि कौन किस कितने प्रमाणों को मानता है और इसमें किस बात की प्रमुख सिद्धांत क्या है उनका। योग भी न्याय और वैश्विक सभी ईश्वर को मानते हैं। यहां हम जानते ही हैं ये ईश्वर की व्यवस्था उत्तर मीमांसा में की ही गई है, क्योंकि जब अनुपहित जो उपहित चेतन जो होता है ज्ञान से, तो ईश्वर उपाधि बन जाती है, तो ईश्वर की व्यवस्था रही नहीं, इसमें है ही है। यहां पूर्व मीमांसा जो है वो भी ईश्वर को नहीं मानता है। पूर्व मीमांसा में भी ईश्वर को नहीं माना गया है। ये वेदों को अपौरुषेय जरूर मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि वेद ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये अपौरुषेय हैं, ये बात ठीक है। तो ये पूर्व मीमांसा भी अनीश्वरवादी के अंतर्गत आते हैं। बाद बाकी जितनी बते वो बच्चे सब वो ईश्वरवादी में है सम्मिलित हो जाते हैं। तो कौन बच्चा हमारे पास? योग, न्याय, वैशेषिक, और उत्तर मीमांसा, ये इसमें व्यवस्था है। यहां पर चार चीज चार हैं, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर, यहां पर पांच हैं, चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य और पूर्व मीमांसा। इस तरह से यहां आस्तिक, ईश्वरवादी, आस्तिक और नास्तिक, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी, अर्थात जो ईश्वर को मानते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानते। तो यहां पर मैंने आपको बताया था सभी ये दार्शनिक हैं, दर्शन से संबंधित हैं। चार्वाक दर्शन है जो सबसे प्राचीनतम माना जाता है, और आपको इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, इसमें हम धीमे धीमे कोशिश करेंगे सभी दर्शनों का अध्ययन कराएं विस्तृत रूप से, क्योंकि चार्वाक का अपने आप में तो कोई ग्रंथ है ही नहीं। ये माधवाचार्य जी हैं, उन्होंने सर्वदर्शन संग्रह लिखा है, उस पुस्तक में चार्वाक दर्शन के बारे में चर्चा की गई है। और चार्वाक दर्शन हमारे देश का पहला भौतिक दर्शन के अंतर्गत अगर रखना चाहें, भौतिकवादी को रखना चाहें, तो पहला ही है ये। और यदि चार्वाक को माना जाता, समझा जाता, तो हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा करके सारे देशों को पीछे छोड़ सकता था, इतनी अपार इसमें शक्ति थी। इसमें चर्चा करेंगे तब हम इसमें बताएंगे, क्योंकि इसको बदनाम करने के लिए जो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, याव जीवन सुखम जीवन कृत्वा घृतम पिबेत, ये जो बनाया गया है श्लोक, ये चार्वाक दर्शन का नहीं है। ये इसको बदनाम करने के लिए एक व्यवस्था दी गई थी किन्हीं के जरिए, क्योंकि किसी को अगर बदनाम करना है तो संस्कृत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान हमारे देश में थे, और उनका, हमारे देश का तो छोड़िए, विदेशी जो थे, जर्मनी थे और फ्रेंच थे, अंग्रेज थे, वो भी बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। इनमें मैक्सिमम देख लीजिए आप कितना उच्च कोटि के विद्वान थे, मैकडोनल्ड है, ये इस तरह के जो लोग थे, उन्होंने किसी विशेष परिस्थितियों में इनको देखा। मैं विदेशियों को नहीं कह रहा हूं कि विदेशी ने इनको बदनाम किया, हमारे देश वालों का ही हाथ था। क्यों उनको बदनाम किया ये आज तक समझ नहीं आया, जबकि चार्वाक अगर इसकी व्याख्या देखेंगे, इतनी गजब की व्याख्या है, इनको चार्वाक यानी कि जो बोलने में जो मिठास जिसमें उत्पन्न होती हो, जो बड़ा अच्छा बोलते हो, सुंदर बोलते हो, चार्वाक उसी के नाम से तो पड़ा है, कभी चर्चा करेंगे तो देखेंगे। बौद्ध दर्शन भी मैं दर्शन के हिसाब से तो अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा ही करूंगा, अगर विस्तृत अध्ययन करने का मुझ पर टाइम मिला तो इनके विस्तृत में जाकर के जो इनकी व्याख्याएं हैं वास्तव में, उनको भी देने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। बौद्ध दर्शन, ये जो अनीश्वरवादी हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी बहुत जबरदस्त आते हैं, जब हम इनका अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ही आते हैं। आते तो दर्शन सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में है, जो हम तत्व की बात करते हैं आज, एलिमेंट्स की बात करते हैं केमिस्ट्री में, वो सारी केमिस्ट्री की जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से निकले हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम जब दर्शनों का अध्ययन करेंगे, कि जो पहले पांच तत्व हुआ करते थे, चित, जल, पावक, गगन, समीरा, उनसे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। विज्ञान ने धीमे धीमे सारी चीजों को तोड़ा, जैसे जल था, जल को दो तत्वों में बांट दिया, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब दो तत्वों मारा तो
जल अकेला तत्व ना रह करके दो तत्वों में बदल गया, ऐसी पृथ्वी है, पृथ्वी को अनेकों तत्वों में उन्होंने तोड़ दिया, विज्ञान है, ज्ञान बड़ा है आगे, तो ये शुरुआत हो सकती है। और यदि हम यहीं पर टक्कर रहे तो विज्ञान में हम कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और हमारा देश विज्ञान ज्ञान विज्ञान में हमेशा से आगे रहा है, तो उससे भी हम थोड़ी सी बातें करते चलेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको इनके बारे में थोड़ा चार्ट देने का प्रयास करूं, इनके प्रमाण कितने हैं, किस सिद्धांत को मुख्य रूप से मानते हैं, इनके दर्शन कौन कौन से हैं, ठीक है। समय मिलता है तो अर्थसंग्रह पे भी थोड़ी चर्चा करते चलेंगे। दर्शन प्रणेता, ग्रंथ प्रमाण, तत्व और प्रमुख सिद्धांत। शुरू से ही ले लेते हैं, सांख्य दर्शन है, प्रणेता है इनके कपिल मुनि। ग्रंथ की बात करें, सांख्य दर्शन सूत्र तो अलग है, वो मुख्य ग्रंथ है, यहां पर मुख्य ग्रंथ है, याद रखना। यहां पर मैं जो चर्चा करूंगा वो उन ग्रंथों की करूंगा जो इस समय हमें अध्ययन कराया जा रहा है। जिनको हम इनका जो एक तरह से व्याख्यापरक हैं, छोटे से रूप में है, लघु ग्रंथ हैं, परंतु वो संपूर्ण इन दर्शनों के बारे में जानकारी हमें दे देते हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो सांख्य दर्शन के लिए इस समय जो अध्ययन कराया जा रहा है सांख्य कार्य का, ईश्वर कृष्ण है इनके, श्री कृष्ण नहीं, ईश्वर कृष्ण है इनके प्रणेता जो हैं। प्रमाण इन्होंने कितने माने हैं, सांख्य कार्य का ने तीन प्रमाण को माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन अर्थात शब्द। तत्व यहां 25 तत्व माने हैं, पदार्थ या तत्व एक ही बात है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं इनको केमिस्ट्री की भाषा में। विज्ञान है ये पूरा दर्शन, लेकिन हमने अब तक इनको आध्यात्म की दृष्टि से ही देखा है, कोशिश करेंगे और अच्छे से देखने की, क्योंकि दर्शन है, हम जिस दृष्टि से देखें उसको उधर ही बदला जा सकता है। प्रमुख सिद्धांत इनका क्या है, सत्कार्यवाद। या परिणामवाद, जो है उसी से कार्य उत्पन्न हो सकता, जो नहीं है उससे कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है इनका सत्कार्यवाद का। योग दर्शन है, पतंजलि इनके प्रणेता हैं, इनका अभी तक कोई ऐसी व्याख्या नहीं है जिसको अध्ययन कराया जा रहा हो, सीधे उनके भाष्य से ही, एक भाष्य है व्यास जी का, वाचस्पति मिश्र जी ने भी इन पर भाष्य किया है, उन्हीं को पढ़ा देते हैं, उन्हीं का अध्ययन करा दिया जाता है। इसमें भी प्रमाण तीन ही मानते हैं, इसमें 26 तत्व हो जाते हैं, 25 प्लस एक,
एक ईश्वर, इसमें एक और बढ़ जाते हैं, ईश्वर को मान लिया जाता है। ये जो है सेश्वरवाद के नाम से जान सकते हैं इसको, सेश्वरवाद इसमें मुख्य है, जो प्रमुख सिद्धांत है वो सेश्वरवाद है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सत्कारवाद तो इसमें रहेगा ही रहेगा, इसको नहीं भूलना है, लेकिन सेश्वर इसमें एक बात और जुड़ जाता है। तीसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो है गौतम हैं, उन्होंने इसको रचना की थी न्याय दर्शन की। इस समय जो इसका जो ग्रंथ माना जाता है मुख्य रूप से, वो तर्क संग्रह के नाम से जाना जाता है या तर्क भाषा। ठीक है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। तर्क संग्रह, तर्क भाषा दोनों एक जैसी हैं, और वो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों को मिलाकर के एक ग्रंथ हैं, छोटे छोटे से ग्रंथ हैं, अन्ना भट्ट का और इनका केशव मिश्र जी का। ठीक है, तो वो दोनों को मिलाकर के अध्ययन कराते हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं, इनको प्रकरण बोला जाता है। इसमें जो प्रमाण माने गए हैं, चार माने हैं उन प्रमाण। इसमें अभाव को भी एक प्रमाण के अंतर्गत माना गया है, प्रत्यक्ष नहीं, अभाव नहीं, गलत बोल गया हूं थोड़ा, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवचन यानी शब्द और एक उपमान। यहां जो तत्वों की बात है, पदार्थों की बात है, न्याय में 16 तत्वों को माना गया है। ठीक है, 16 पदार्थ माने गए हैं। न्याय दर्शन जो है वो असत कार्यवाद को मानता है, न्याय दर्शन जो है असत कार्यवाद को मानता है। चौथे पे है वैशेषिक, ये कणाद हैं इनकी रचयिता, और इनका तर्क संग्रह है। अब यहां थोड़ी सी बात समझने की है, ये दोनों एक दूसरे के मिले हुए हैं। तर्क भाषा में न्याय दर्शन की भी व्याख्या है, अर्थात न्याय दर्शन को भी समझाया गया है और वैशेषिक दर्शन को भी समझाया गया है। तर्क संग्रह में न्याय दर्शन को भी समझाया गया है, वैशेषिक दर्शन को भी समझाया गया है। बस थोड़ा सा इसलिए मैंने यहाँ ऊपर नीचे इसलिए कर दिया है, क्योंकि जो मुख्य धारा को लेकर के जो चले हैं तर्क भाषा ने, न्याय दर्शन के मुख्य सिद्धांतों को लेकर के चले हैं, उनसे व्याख्या शुरू की है, इसलिए मैंने ऊपर रख दिया। तर्क संग्रह वैशेषिक को लेकर के चलते हैं, यहाँ नवद्रव से शुरू करते हैं, ये 16 तत्वों से शुरू करते हैं। ठीक है, इनमें ही चार ही हैं प्रमाण, और इसमें 9 पदार्थों की, सप्त पदार्थ, 7 पदार्थों की चर्चा की गई है, और ये परमाणु वाद के नाम से जाना जाता है, अर्थात का प्रमुख सिद्धांत है, जाना नहीं जाता, प्रमुख सिद्धांत परमाणुवाद है, जो परमाणु की व्यवस्था दी है, जो परमाणु का आविष्कार हुआ है, परमाणुओं के बारे में वैशेषिक कणाद जो ऋषि हैं उन्होंने बहुत समय पहले ही बिना किसी लैब के ही उसकी पूरी व्याख्या दे दी थी। उन्होंने व्याख्या दी है कि एक छप्पर पड़ा हुआ है, यदि उसमें कोई छिद्र हो जाए तो जो छिद्र है, जो छप्पर है, उससे जो किरणें आती हैं, उससे तैरता हुआ जो कण है वो हमको तैरता हुआ नजर आता है, तो छोटा सा जो धूल का कण है उसका छठवां भाग परमाणु का नाम दिया गया है उन्होंने, तो पहले से ही उन्होंने बता दिया था इसके बारे में। तो ये परमाणु बार आता है, जब कभी अध्ययन करेंगे तो देखेंगे इन्हें। पांचवा है पूर्व मीमांसा,
ठीक है, जैमिनी जी इनके प्रणेता हैं। इस समय जो इनका ग्रंथ जो पढ़ाया जा रहा है वो अर्थ संग्रह के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से ज्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक है, लोगाक्षरी इनके रचयिता हैं। इसमें कहीं तो पांच हैं, कहीं छह हैं, तो यहां छह प्रमाण के रूप में जान लेते हैं हम। छह प्रमाण हैं, वो कौन कौन से बाद में देखेंगे। इसमें तत्व के बारे में कहीं कोई चर्चा है ही नहीं और इसको अपूर्ववाद बोल देते हैं। अपूर्ववाद इसका प्रमुख सिद्धांत है। छठवां है उत्तर मीमांसा, इसको वेदांत भी बोलते हैं। ठीक है, वादरायण। ब्रह्म सूत्र और वेदांत सार। ब्रह्म सूत्र इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि ब्रह्म सूत्र का आधार, ब्रह्म सूत्र ही आधार है वेदांत सार का। ठीक है, इसमें जो प्रमाण की कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तत्व ही, इसमें दो तत्वों को माना गया है, जीव और ब्रह्म। जीव और ब्रह्म दो तत्वों को इसमें चर्चा की गई है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। यह विवर्तवाद को मानता है या मायावाद। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें दो तीन और रह गए हैं अभी, चारवाक। चारवाक को मैं ऐसे ही समझा देता हूं। चारवाक हैं, दर्शन है चारवाक, उनके प्रणेता बृहस्पति जी को भी माना जाता है और लोकायत है कोई उनके, उनको भी माना जाता है। उसमें प्रमाण जो माना गया है वो मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए ही मानते हैं, एक ही प्रमाण मानते हैं, ग्रंथ उसका कोई प्राप्ति ही नहीं हुआ है। उसमें जो तत्व हैं वो चार तत्वों को मानते हैं, क्षिति, जल, पावक और समीर, अर्थात वो आकाश तत्व है उसको वो नहीं मानते, तो चार तत्वों को मानते हैं। सिद्धांत उसका भौतिकवादी ही होगा क्योंकि सिद्धांत जो प्रमुख सिद्धांत है वो। दूसरा हम लेते हैं बौद्ध। बौद्ध दर्शन है, उसके जो प्रणेता माने जाते हैं, जो रचयिता है, एक तरह से भगवान बुद्ध को ही माना जाता है और ग्रंथ उनका वही है, कोई मतलब नहीं उसका। प्रमाण वो दो प्रमाणों को मानते हैं। यहां एक चीज और मैं बताता चलूं, वैशेषिक में दो प्रमाण से मुझे याद आया कि आजकल जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो चार प्रमाणों के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं, इन तर्कभाषा तर्क संग्रह के जरिए। परंतु प्राचीन समय में या थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो ये दो प्रमाणों को मानता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि वैशेषिक कितने प्रमाणों को मानता है, यदि वैशेषिक का सीधा पूछा जाएगा तो वहां दो प्रमाणों को लगाना पड़ेगा। तो ये दो प्रमाणों को मानता है, चार भी मैंने लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ जब दर्शन तर्क भाषा वगैरह पढ़ेंगे तो चार ही मानेंगे उसमें। तो बौद्ध जो ग्रंथ है, बौद्ध दर्शन है, वो दो प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। पदार्थ की उसमें कोई बात ही नहीं है, पदार्थ क्या है। और प्रमुख सिद्धांत उनका कौन सा है, अनीश्वरवाद के नाम से, वो अनीश्वरवाद नहीं, अनात्मा या निरात्मावाद। अरे आत्मा के विषय में नहीं, आत्मा को भी नहीं मानते, ईश्वर को तो मानते ही नहीं है, बौद्ध आत्मा को भी नहीं मानते, इस तरह से उसमें बोला गया। जैन दर्शन जो है उनके महावीर जैन को ही माना जाता है, हालांकि इसका प्राचीन नाम जो है निर्ग्रंथ था, निर्ग्रंथ के नाम से ऋषभ देव जी इसके प्रणेता मान सकते हैं, ऋषभ देव से शुरुआत हुई थी। पहले जो आचार माने जाते हैं तीर्थंकर उनको बोला जाता है उनके यहाँ, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, अंतिम ये माने जाते हैं इन्होंने जैन, क्योंकि जिन इन्होंने बनाया था, जीत लिया था इन्होंने इंद्रियों को, इसीलिए जैन कहलाए, तो महावीर जैन को ही माना जाता है। ग्रंथ इनका छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। प्रमाण यहाँ तीन हैं उनके, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण तीन माने जाते हैं, तत्व की कोई बात ही नहीं है। यहां पर स्यादवाद उनका प्रमुख सिद्धांत है। स्यादवाद क्या है, ये सारे प्रमुख सिद्धांत हैं, इनके बारे में तभी चर्चा हो पाएगी जब इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है ये छोटी सी बातें थी, मैंने समझाई। मैं दो चार बातें और आपको यहाँ तो थोड़ा समझाता चलूँ
अर्थ संग्रह के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी, बस 2 से 3 मिनट, उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए, अर्थ संग्रह में जो इनके रचयिता हैं, प्रणेता हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो बातें और साफ होती चली जाएंगी। दर्श अर्थ संग्रह जो है लोगाक्षरी जी का है, ये लोगाक्षी, इसके बारे में थोड़ा जानते चले। लोग अर्थ संग्रह जो है लोगाक्षी भास्कर है, इनका नाम है पूरा भास्कर जो है इनका नाम है, लोगाक्षी जो है इनके ये वंश परंपरा से चला आया है। अर्थ संग्रह को द्वादश लक्षणी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें 12 अध्याय हैं। लक्षणी से, लक्षण से तात्पर्य यहां पर याद रखना है आपको अध्याय, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं आज, फिर आने वाले समय में अध्ययन करेंगे अच्छे से। द्वादश लक्षणी अर्थ 12 अध्याय हैं, इसलिए इसको द्वादश लक्षणी भी जाना जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात और, संकर्षण कांड है, संकर्षण कांड यदि इसमें जोड़ दिया जाता है तो इसको 16 अध्याय होता है, 16 अध्याय भी बोला जाता है। तो एक रामानुजी जी हुए हैं, ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखा और उनके भाष्य का नाम था श्रीभाष, इसी नाम से उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने अपने श्रीभाष में अर्थ संग्रह को 16 अध्याय बोला है, अर्थात 16 अध्यायों वाला, इस तरह से इसकी व्याख्या की है। इसका मैंने बताया था अर्थ संग्रह का लोगाक्षी ने धर्म को मुख्य माना है और सारे उसमें जो व्याख्या की है वो धर्म की ही व्याख्या की है और धर्म को इन्होंने यज्ञ से ही संबंधित माना है। सब कुछ यज्ञ के इर्द गिर्द ही घूमता है, यागादि रेव धर्मा, ये बोला है इन्होंने, यागादि रेव, यागादि एव, अर्थात याग आदि, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे लेकिन छोटा सा रूपरेखा बनाते चले। एव ये शब्द लगा दिया, अब एव का मतलब होता है ही, अर्थात याग, यज्ञ, यज्ञ और यज्ञ से संबंधित जो क्रिया है उनसे हट करके कोई भी क्रिया इसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी, अर्थात उसी उन्हीं को उन्होंने धर्म मान लिया है। तो अब हमने बताया था कि दर्शन तो देखने का नियम है, उन्होंने इसी को धर्म के अंतर्गत रख लिया है। यहां जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने एक और अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास किया है और उसकी अच्छे से व्याख्या की है। कौन सा विधि वाला, इन्होंने वेदों को 5 भागों में बांट दिया है, इन्होंने क्या बांटा होता ही है, विधि, मंत्र, नामधेय, इस तरह से निषेध, अर्थवाद। तो वेद के बारे में जो याग शब्द इन्होंने लिया है वो वेद के लिए ही लिया है और आगे इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चर्चा की है उन्होंने, वेद से संबंधित क्या है। फिर ये तो लोगाक्षरी जी का है, यागादि रेव धर्मा, फिर जैमिनी जी की भी परिभाषा है धर्म के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा है इसमें। इस तरह से अर्थ संग्रह में 3-4 विषय में, अब आपको बता दूं जो विधि है, जो यज्ञ वेद का 5 भाग बताए उन्होंने, 5 भाग में जो विधि भाग है केवल इसी में उलझाव है। यदि विधि भाव को हमने ढंग से समझ लिया तो फिर इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। विधि भाव को मैं आपको एक क्रम दूंगा क्योंकि इसमें विधि भाव में 3 से 4 भाग हो जाते हैं, फिर उनके अलग अलग भाग हो जाते हैं, उनकी जो विस्तृत व्याख्याएं दी हैं यहाँ वही थोड़ा सा दिक्कत पैदा करती है। फिर इसमें भावना भी आ जाती है बीच में, भावना, फिर वेद भी पूछ लेते हैं कि वेद भी क्या है, अपौरुष वाक्यम वेदम इस तरह से इन्होंने बोला है। तो ऐसा बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह से इन्होंने देता गया। कोई एक चीज को इन्होंने क्लियर नहीं किया है या ईमान की जली इन्होंने किया है, हमें समझ नहीं आता। तो हम देखेंगे, पहले हम एक ही व्यवस्था को पूरा देखेंगे, फिर हम दूसरी को छोड़ देंगे, दूसरी को फिर दूसरी बार में देखेंगे, इस तरह से एक क्रम लेंगे तो मस्तिष्क में पूरी व्यवस्था बन जाएगी। पहले हम विधि को खत्म करेंगे पूरा, विधि को लेकर के फिर विधि के जो हिस्से हुए हैं उनके पार्टों को लेते चले जाएंगे। उम्मीद है छोटी सी रूपरेखा दी है मैंने आज, आपको अच्छी लगी होगी।
क्योंकि इसमें से एक से दो प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएंगे, ये आप ये मान के चलिए, क्योंकि पूछ लेता है प्रमाण कितने हैं, किस बात को प्रमुख सिद्धांत क्या है, कौन कितने तत्व हैं, इस तरह से ये मान लेते हैं, इसमें दो से तीन क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही।